Hi everyone, welcome to the rocket science class. I am Ankita Shah और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे class 6 science chapter number 9 and the name of that chapter is the living organisms and their surrounding. So, जैसे कि आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है. अगर आपने इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले जाकर उसके थ्योरी सेशंस को अटेम्प्ट करें जिसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है. आप पहले जाके उस 6 पार्ट को अटेंड करें उसके बाद आप इस सेशन में आएँ क्योंकि इस सेशन में मैं आपको करवाने वाली हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, सो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन है नेम द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव्स. ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, उस प्लेस का नाम बताओ. ठीक है, सो एक्वेटिक हैबिटेंट. एक्वेटिक हैबिटेंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ प्लांट्स और एनिमल रहते हैं. नो, एक्वेटिक हैबिटेंट क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेंट इज अ प्लेस वेयर एक्वेटिक एनिमल लिव. जहाँ पे क्या होता है, जो जो एनिमल पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेंट. तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि वाटर में रहते हैं. तो आंसर विल बी हैबिटेंट. ठीक है, हैबिटेंट क्या है? एक ऐसा लाइक यू कैन से द प्लेस वेयर प्लांट्स और लिविंग थिंग लिव्स, है ना, बोल सकती हो कि घर है वो सबके रहने का, हैबिटेंट जहाँ पे सब कुछ रहता है. ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, लिविंग थिंग सबके रहने के लिए एक एक जगह होता है जहाँ पे हमारे लाइक हमारे हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए जो हमें चाहिए होता है सब कुछ होता है, प्रोवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेंट बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था हैबिटेंट दो तरह के होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज टेरिस्ट्रियल एंड सेकेंड वन इज एक्वेटिक. तो टेरिस्ट्रियल एंड हैबिटेंट क्या है, एक्वेटिक हैबिटेंट, इसका दो टाइप है. तो द आंसर विल बी हैबिटेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस आर एक्सचेंज इन आवर लंग्स. जो हम लोग मैंने आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ठीक है, तो उसमें कौन सा दो गैस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लंग्स में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी नहीं होगा. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं लंग्स में नोज के थ्रू और फिर नोज के थ्रू किसको एक्सपेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को. द आंसर विल बी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कैरेक्टरिस्टिक्स टेल अस दैट शीट्स आर लिविंग थिंग. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है कि जो शीट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था शीट्स के बारे में कि वो पहले छोटे से रहते हैं फिर उसको जर्मिनेट करते हैं फिर वो क्या बनते हैं, एक फ्लावर उसमें निकलता है. ठीक है, तो कौन से ऐसे प्रोसेस से हम समझ सकेंगे कि शीट्स जो है लिविंग थिंग है? रिप्रोडक्शन से? नहीं, रिप्रोडक्शन से भी हम नहीं समझ सकेंगे. रिप्रोडक्शन तो हम लोग एक्सक्रीशन से भी नहीं समझ सकेंगे, फूड से भी नहीं. हम लोग समझ सकेंगे रिस्पायरेशन से कि शीट्स क्या है, क्या है, लिविंग थिंग है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस. कौन सा ऐसा चीज़ है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि एक न्यू मेंबर, न्यू स्पीसीज को जन्म दे सकता है, ला सकता है? स्टोन? नो. रॉक? नो. पेन? नो. क्यों? बिकॉज दिस थ्री ऑल आर नॉन लिविंग थिंग, है ना, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. सो द आंसर विल बी डॉग. डॉग कैन रिप्रोड्यूस. विच ऑफ द फॉलोइंग सी एनिमल विच डोंट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप. कौन सा ऐसा लिविंग एक्वेटिक लिविंग एक्वेटिक एनिमल है जो कि किस में रहता है, पानी में रहता है, उसका क्या है, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप नहीं है. सो द आंसर विल बी डॉल्फिन. ऑक्टोपस, फिश एंड स्क्विड, दीज आर ऑल द एनिमल, दे हैव अ स्ट्रीम लाइन शेप. ठीक है, उन लोगों का क्या होता है, स्ट्रीम लाइन शेप होता है एंड दे हैव गिल्स. उनमें क्या होता है, गिल्स भी होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं. बट ऑक्टोपस और आई एम सॉरी, बट जो डॉल्फिन्स होते हैं, डॉल्फिन्स विच दे डोंट हैव गिल्स एंड दे डोंट हैव बॉडी शेप्स लाइक दिस स्ट्रीम लाइन शेप. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट ग्रो एंड फ्लोटिंग इन प्लांट. कौन सा ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जो कि ग्रो होता है बट फ्लोट करता है, प्लांट के ऊपर तैरता है. जैसे कि मान लो ये वाटर लेवल है तो यहीं पे ये जो है इसका फ्लोटिंग प्लांट है, प्लांट का यहाँ पे ऐसे तैरता है, दैट इज वाटर ल्यूटिस.
आंसर विल बी वाटर लिलीज, वाटर लिली नहीं होगा क्योंकि वाटर लिली इज एग्जाम्पल ऑफ पार्शियली सबमर्ज प्लांट। वाटर लिली नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, पार्शियली सबमर्ज होते हैं। हाइड्रिला भी नहीं होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली सबमर्ज प्लांट होते हैं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कैक्टस प्लांट द प्रोसेस ऑफ अ फूड मेकिंग कॉल फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाई कैक्टस प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो किस में किससे कैरिड, जैसे कैक्टस प्लांट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो डेजर्ट में रहता है, ठीक है, उसका एक स्पेशल फीचर्स होता है ताकि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। डेजर्ट में क्या होता है, उसको एक्सेसिव हीट मिलता है, दे डोंट गिव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, इवन दे हैव अ सैंडी सॉइल। तो इस वजह से क्या होता है कि एक कैक्टस प्लांट ऐसा प्लांट है जो डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट में उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सब कुछ नहीं मिल पाता है, तो वो अपना एक स्पेशल फीचर्स होते हैं जो जो एनिम जो प्लांट्स या एनिमल्स जो भी डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं, लीव्स के थ्रू बनाते हैं, बट कैक्टस प्लांट जो होता है उसमें लीव्स नहीं होता, तो वो किसके थ्रू खाना बनाता है, अपना प्रोसेस करता है, दैट इज लीव्स के थ्रू, नहीं फ्रूट, नो आंसर विल बी रूट, शी एंड डी आई हैव रिटन बोथ डी, तो आंसर विल बी रूट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स नॉट अ टेरिस्ट्रियल हैबिटेंट, कौन सा ऐसा जो है टेरिस्ट्रियल हैबिटेंट नहीं है, सो सॉइल नो, ट्री नो, ओशन, ओशन क्या है, एक ऐसा है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट नहीं है क्योंकि ओशन क्या है, इज एन एक्वेटिक हैबिटेंट, रेस्ट सॉइल ट्री एंड डेजर्ट आर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग कैन मूव, क्या सारे लिविंग थिंग मूव कर सकते हैं, हाँ तो ये तो सही है, तो ये नहीं होगा। लिविंग थिंग लाइक प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, लिविंग थिंग में जो प्लांट्स आते हैं क्या उसको सनलाइट की जरूरत होती है ग्रो होने में, यस, तो ये भी नहीं होगा। प्लांट मेक देयर ओन फूड फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्या ये सही है, यस, तो ये भी नहीं होगा। सम प्लांट डाई बट सम नॉट, कुछ लिविंग थिंग जो होते हैं वो मर जाते हैं, कुछ नहीं मरते, क्या ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग हैव टू डाई वन डे, सब लिविंग थिंग जो होते हैं एक बार मरते हैं, ठीक है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट सॉइल वाटर सनलाइट एंड एयर आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैबिटेंट, जो सॉइल वाटर सनलाइट जो है वो किसके कॉम्पोनेंट्स हैं, बायोटिक, नो, क्योंकि बायोटिक में क्या आता है, ऑल द लिविंग थिंग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोटिक। टेरेस्ट्रियल, नो, टेरेस्ट्रियल भी नहीं होगा क्योंकि टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जिसमें लैंड लैंड लिविंग थिंग जो लैंड में रहते हैं, आ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, आंसर विल बी आ बायोटिक कॉम्पोनेंट, क्योंकि आ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सॉयल, वाटर, सनलाइट, एयर, ठीक है, दिज आर ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अबायोटिक कॉम्पोनेंट, जिसके थ्रू जो होता है लिविंग थिंग किसी हैबिटेंट में सर्वाइव कर सकेगा, बिना इनके दे कांट सर्वाइव। अबायोटिक फैक्टर्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग, दैट वी कॉल से प्लांट्स, एनिमल एंड वी ह्यूमन बींग। सपोज करो इफ यू लाइक इफ यू टॉक अबाउट प्लांट, अगर हम लोग कोई प्लांट को हम लोग उगा रहे हैं तो वी नीड सॉइल, soil is an abiotic factors, we need sunlight, sunlight is abiotic factor, we need water, water is abiotic factor, so without abiotic component of factor hum log ye process nahi kar payenge, theek hai। So thank you, if you like my video please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update, thank you once again।